अगर आप भी चाहते हैं अपने पसंदीदा शुद्धता, गुणवत्ता और विश्वसनीयता से पूर्ण आभूषण खरीदना, तो आपके अपने ही शहर में स्थित दीक्षित ज्वेलर्स शिमला चले आना। दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS शिमला। संपर्क करें 01772671115। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चे का सर्वांगीण विकास, तो यहाँ आकर पूरी होगी आपकी हर एक आस। सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर शिमला। सत्र 2024 और 25 के लिए प्री नर्सरी, नर्सरी और केजी के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 दिसंबर 2023 से 31 दिसंबर 2023 तक और पहली से 9वीं कक्षा के लिए प्रवेश प्रारंभ 1 जनवरी 2024 से 28 जनवरी 2024 तक। तो जल्दी कीजिए, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों और संस्कार युक्त शिक्षण संस्थान के लिए एकमात्र विकल्प आपके अपने शहर शिमला में सरस्वती विद्या मंदिर हाई स्कूल कमला नगर। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8278810797 पर। शिमला सहित सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर, कांगड़ा और चंबा में अचानक से मौसम बिगड़ गया है। इन जिलों में बादल छाए हुए हैं और कई जगह हल्की बारिश दर्ज हुई है। हालांकि मौसम विभाग ने इस दौरान मौसम साफ रहने की संभावना व्यक्त की थी। मौसम केंद्र शिमला की माने तो 5 दिसंबर से 10 दिसंबर तक प्रदेश में मौसम साफ रहेगा। हालांकि सोमवार सुबह हिमाचल में बारिश और तेज सर्द हवाएं चलने से ठंड बढ़ गई है। वही बारिश से किसानों ने राहत की सांस ली है। देखिए, पिछले 24 घंटे में एक जो फीवर WD थी प्रदेश में, उसके चलते देखिए डिस्ट्रिक्ट सोलन, बिलासपुर, हमीरपुर और शिमला में हल्की बारिश रिपोर्ट की गई है। और अभी भी देखिए डिस्ट्रिक्ट चंबा, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर में मतलब क्लाउडिंग है और हल्की बारिश होने की संभावना है। साथ में जो हायर रीचेज़ हैं डिस्ट्रिक्ट चंबा, लाहौल स्पीति, कुल्लू, किन्नौर, इसके हायर रीचेज़ में कहीं हल्की बर्फबारी होने की संभावना है आज 4 तारीख को। और जो डिस्ट्रिक्ट जैसे कांगड़ा है, बिलासपुर, हमीरपुर, शिमला, सोलन, यहाँ पे एक दो स्थानों में हल्की बारिश होने की संभावना है। फिर 5 तारीख से प्रदेश में जो मौसम है मुख्यतः साफ रहने की संभावना है। और देखिए तापमान अभी सामान्य चल रहे हैं, जो पिछले 24 घंटे के हैं। जो न्यूनतम तापमान है वो किलोंग में रिकॉर्ड किया गया -5.6°C, शिमला की बात करें तो 5.4 जो न्यूनतम तापमान रिकॉर्ड किया गया था, और जो हाईएस्ट था वो पौंटा साहिब में 26°C। तो ऐसे देखिए जो एक्टिविटी जो आज मतलब जारी है कुछ कुछ क्षेत्रों में, तो इसके चलते जो डे टेम्परेचर है वो आज मतलब एवरेज से 2 से 4 डिग्री कम रहने की संभावना है। फिर कल से जैसे ही मौसम खुलेगा तो उसे फिर जो तापमान है वो सामान्य ही रहेंगे प्रदेश में। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।